अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्यूबलेस टायर का यूज़ करते हैं, चाहे आप बाइक पर यूज़ करते हैं या फिर आप अपनी कार पर यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर पंचर लगवाने के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है पिछली वीडियो में कि भाई ट्यूबलेस टायर पंचर लगाने का कोई आसान तरीन तरीका है बताए कि हर कोई इसे लगा पाए, बच्चा भी लगा पाए। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली है और आज की वीडियो स्पेशल तौर पर आप लोगों के लिए बनाकर ला रहा। और इस वीडियो में एयर पिस्टल गन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये गन बहुत ही जबरदस्त है और ये पिस्टल नुमा है। आप अपने ट्यूबलेस टायर को इजीली लगा सकते हैं पंचर। और अब बात करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव देहातों में रहते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपको कितनी ज़्यादा दुश्वारी करना पड़ती है वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता। मेरे साथ भी अक्सर औकात हुआ है कि मेरा ट्यूबलेस टायर जो है कील लगने की वजह से ऐसे इलाके में जाकर पंचर हुआ है जहाँ जहाँ दूर दूर तक कोई भी फैसिलिटी पंचर लगाने की नहीं होती। और स्पेशली गांव के हवाले से बात करें तो गांव में आम नॉर्मल पंचर लगाने वाला तो मिल जाता है लेकिन ट्यूबलेस टायर की फैसिलिटी उनके पास नहीं होती। फाइनली हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, बार बार टायर एक्स्ट्रा जो होता है वो बदलते हैं और फिर वो भी पंचर हो जाता है। फिर हमें जो परेशानी होती है वो हम बयान तक नहीं कर सकते। लेकिन आपके भाई के होते हुए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब आ चुका है ट्यूबलेस टायर पिस्टल एयर गन जो कि काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और आप इजीली इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। लगाने का तरीकाकार भी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जाए मखसूसा जहां पर भी आपका पंचर मौजूद है, कील लगी हुई या फिर कोई और चीज़ लगी हुई है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसे आपने बाहर निकाल लेना है। अगर फॉर एग्जांपल कील है, कील को प्लास की मदद से आपने इजीली निकालना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो एयर पिस्टल गन है इसकी एक रबड़ नुमा होती है और फ्रंट साइड पर कैप होती है जो कि आपको नज़र आ रही है, इस कैप को इस गन के अंदर डाल देना है और इसके बाद ऊपर से ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा सा इसके साथ इंसुलेशन मिलता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वो इंसुलेशन नहीं है तो आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना होता है कि एयर गन जहां पर सुराख है आपके टायर का, जहां पर पंचर मौजूद है, उस पर रखकर आपने पीछे से इसका ट्रिगर जो होता है वो प्रेस कर देना है। और ट्रिगर प्रेस करते ही इसका एयर जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपके टायर के अंदर जाकर लग जाता है। और फाइनली जो कैप है वो अंदरूनी साइड से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदरूनी साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, वो जो कैप है वो पंचर की साइड में आ चुकी है। अंदर जैसे ही हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा जो हमारी कैप है उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और वो अपनी जो ताकत है वो हद से ज़्यादा लगाकर हमारा जो पंचर है उसे मजबूत बना देगी और जो फालतू रबड़ है जो कि टायर के बाहर आपको नज़र आ रही होगी उसे आप कट कर सकते हैं, वो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी कीमत के हवाले से बात करें तो इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये है और पाकिस्तानी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से भी मिल जाएगा आपको और इसके साथ साथ ऑफलाइन मार्केट से भी आपको ये मिल जाएगा। और अली एक्सप्रेस के हवाले से बात करें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस पर भी ये मौजूद है। वहां से खरीदना चाहते हैं आप वहां से खरीद सकते हैं, बैंगलोर से खरीदना चाहते हैं वहां से खरीद सकते हैं, अमेज़न से खरीदना चाहते हैं आप वहां से खरीद सकते हैं, दराज शॉपिंग मॉल से खरीदना चाहते हैं आप यहां से भी खरीद सकते हैं। इससे बढ़कर आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? ये किसी भी तरीके से कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैंने भी इसे बाय किया है और यकीन माने कि यह बहुत ही कंफर्टेबल है और हर कोई इसे आसानी से यूज कर सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।